बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रोडक्ट वारंटी एंड एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें हमारे पास सीरियल, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूज़ यानी कितने साल तक लाइफ है उनकी, उसके बाद उनकी जो एक्सपायरी डेट होगी, और नेक्स्ट दो फार्मूले इसमें मैं समझाऊँगा दो तरीके से, और उसके बाद उसका कॉटन, इसमें बैच नंबर भी दे सकते हैं, मैंने कॉटन दिए हुए हैं, और फिर कॉटन में कितने पैक हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट जो फार्मूला होगा, अगर हमें 3 साल ऐड करके देखना है एक्सपायरी डेट क्या आएगी इसमें, और इस तरह से कि 31 तक आए, यानी उस मंथ की 1 फरवरी की जो आखिरी डेट होगी वो, तो एक एग्जांपल जो होगा वो अलग होगा, और फिर फर्स्ट से फर्स्ट तक की डेट में एक्सपायर हो तो वो यहाँ पर दूसरे फार्मूले से करेंगे इक्वल मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका सेल एड्रेस C2 और प्लस 365 मल्टीप्लाई जितनी उसकी लाइफ है ईयर, ये सिलेक्ट करेंगे। अब 1 फरवरी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 3 साल बाद जो इसकी एक्सपायरी डेट है ये फरवरी से पहले यानी जो जनवरी की एंड डेट होगी वो डेट हमें यहाँ लिखी हुई प्रिंट करेगा, ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जैसे फर्स्ट से फर्स्ट तक अगर हमें चाहिए तो उसके लिए फिर दूसरा फार्मूला हो, मैं अभी यहाँ समझाऊँगा। एंटर, तो देखें यहाँ पर 1 फरवरी 2020, तो 3 साल बाद जनवरी 31 को ये एक्सपायर हो जाएगी। अब यहाँ प्रोडक्ट कोई भी रख सकते हैं आप, नाम अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे इस तरह ये नाम रखे हैं जिसकी प्रोडक्ट एक्सपायरी आपको कैलकुलेट करनी है या ट्रैकिंग देख ट्रैक करनी है उसकी, वो आप नाम वहाँ लिखेंगे एंटर, सेल के लास्ट में आ जाएंगे ट्रैक बोर्ड और ड्रैग कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला जो फर्स्ट से फर्स्ट तक की डेट हमें बताया एक्सपायरी जो कैलकुलेट होगी उसके लिए फिर हम लगाएंगे इक्वल ई डेट ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होगी वो स्टार्ट डेट हो गई, कॉमा लगाएंगे, पूछेगा मंथ, तो यहाँ मंथ नहीं है, ईयर में लिखी हुई है ये सारी, यानी जो यूजेबल काबिल इस्तेमाल है सब इतने ईयर लिखे हुए इनकी, तो मंथ में हम सिलेक्ट करेंगे इसी यूजेबल का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इस पर क्लिक, C2 कॉमा मंथ में हमने यूजेबल ईयर जो है वो सिलेक्ट किया, और क्योंकि यहाँ मंथ है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 12, तो वो हमारा ईयर में शुमार हो जाएगा कन्वर्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखें यहाँ पर 1 फरवरी 2020 और 3 साल की इसकी वारंटी है, उसके बाद जो है वो एक्सपायर जो होगी 1 फरवरी 2023 को एक्सपायर हो जाएगी। तो दोनों मेथड मैंने बता दिए, सेल के लास्ट में ले आएंगे कर्सर और ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी ड्रैग कर देंगे, तो सबकी यहाँ पर जो होगी फर्स्ट वो डेट लिखी हुई आ जाएगी। इसके अलावा आप कॉटन या बैच नंबर मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में, अगर लिखना हुआ होना चाहिए कब बनी है ये चीज़ कौन से बैच की है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एडिशन आप कर सकते हैं कॉलम, मैंने कॉटन पैक के बनाए हुए, यानी 500 जो है ये कॉटन प्राइस और पीस जो है पैक यानी 36 का है, तो कॉटन 500 प्राइस है और पैक 36 का, तो पर पीस कितना हुआ यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल कॉटन डिवाइड पैक, पर पीस हमें इतने का पड़ेगा, सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी ट्रैक कर देंगे। अब इसी तरह टोटल कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो आप कॉलम भी बना सकते हैं, मैंने इसमें 2 फार्मूले मुझे बताने थे एक्सपायरी डेट के, वो दोनों मैंने मेथड इसके अंदर आपको समझा दिए, और कॉटन पैक प्राइस क्वांटिटी ये सारी, जैसे एक रिकॉर्ड या जैसे रिकॉर्ड कीपिंग होता है तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसकी बहुत से एग्जाम्पल और फॉर्मेट मैंने इसमें अपलोड किए हैं। शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो में इतना ही,
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फर्स्ट वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।